हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ हैं एक काफ़ी यंग पेशेंट जिनको काफ़ी सीवियर डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी। उनके L4 L5 पे इनफेक्ट 4 गैप बचा हुआ था और L3 L4 पे भी 7 गैप बचा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क बाहर आई हुई थी। तो उनको जो दिक्कतें हो रही थी उनके रूटीन लाइफ स्टाइल में, उनसे बात करते हैं पेशेंट से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम सागर, मैं यमुनानगर से हूँ। क्या दिक्कत थी सागर? मैम ना, मैंने ना बहुत मतलब एक साल पहले ना वेट उठाया था, तो जिम में उठाया था? नहीं मतलब घर पे। अच्छा। तो मतलब उसके बाद ना मुझे बैक में पेन कितना होना, हैवी वेट था? 80 किलो के आसपास होगा मैम वो। तो उसके बाद ना मुझे बैक में दिक्कत हुई, तो फिर वो धीरे धीरे ना मेरे लेग में आनी शुरू होगी। तो मैं उसके बाद ना बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, तो मुझे कहीं से भी आराम नहीं हुआ। तो आपने क्या किया फिर, मतलब जैसे आपको पेन आनी शुरू हुई तो आप मतलब जैसे कहाँ कहाँ गए? मैं ना लोकल डॉक्टरों के पास बहुत गया, किसी ने मालिश भी की, किसी ने मुझे मेडिसिन भी दी और इंजेक्शन भी लगाए, पर मुझे ना किसी से भी कुछ भी तो किसी आराम ने नहीं हुआ। MRI नहीं सजेस्ट किया नहीं था? मैम, मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि अपनी MRI आपको इतनी लेके आओ। ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी सिर्फ तब? ना मुझे इतना बोल लगेगा कि तुम सिर्फ अपने एक्स्ट्रा लेके आओ मेरे पास। अच्छा, एक्सरे करवाया था हाँ उन्होंने जी, सिर्फ? हाँ जी। ओके, तो उसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें हो रही थी? मतलब जैसे टांग में दर्द आ रही थी वो ठीक है, लेकिन आपके लाइफस्टाइल में या आपको क्या? मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था डेली का काम, मतलब ना कहीं पे जाना ना आना, घर पे भी दिक्कत, सारे दिन सिर्फ बेड रेस्ट पे था। तो फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक दिन आपकी वीडियो देखी फेसबुक पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और अब मैं बहुत अच्छा हूँ मतलब पहले से। सागर, आपका जब आप आए थे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमारे हिसाब से, हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको आते ही पहले ये सजेस्ट किया था कि आप एक बार MRI करवा हाँ जी लीजिए, बिल्कुल, ना, हाँ जी। जो आपको अभी तक किसी ने नहीं मैम, सजेस्ट भी नहीं किसी किया ने नहीं बोला था। था मैम मुझे। तो जो MRI आई थी उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ जी, जो L4 L5 है उस पर 4 गैप बचा हुआ था, हाँ जहाँ जी, मिनिमम 11-12 रहता है वहाँ आपका 4 बचा हुआ था, और हाँ जी, L3 L4 पे भी आपका 7 बचा हुआ था, हाँ जी, और उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। समझ लीजिए वहाँ 50% थी और वहाँ 50 से ज़्यादा थी दूसरे लेवल हाँ पे। जी, तो उस केस में क्या रहता है कि डिस्क को सेट करना ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। हाँ जी, जो आपको टांग में भी दर्द जा रही थी, इनफेक्ट टाइटनेस भी इतनी ज़्यादा हो जी, रखी थी आपकी, जब हमने लेग उठा के आपकी चेक भी की थी तो वो ज़रा सी भी ऊपर नहीं जा पा रही थी, बहुत हाँ जी। सिवियर डिस्क बल्ज था, इसी कारण से ऐसा हो रहा था। तो अभी आपको सागर यहाँ आते हुए कितने दिन हो गए हैं? मैम मुझे हो गए आते हुए 12 दिन यहाँ पे। तो उन 12 दिनों में आपको क्या मतलब डिफरेंस फील हो रहा है अब आपके लाइफस्टाइल हाँ, में? मेरा लाइफस्टाइल अब अच्छा हो गया, मैं चल भी रहा हूँ, फिट भी रहूँ, खा भी रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उठने बैठने उठने सोने बैठने में, में मैं सोने में कोई पेन नहीं है आपको फर्क कितने दिन बाद दिखना शुरू हो गया था? मुझे। मैम 3-4 दिन बाद दिखना शुरू हो गया था। 3-4 दिन का तो पेशेंस रखा था आपने, हाँ जी मैम, उस टाइम नहीं लग रहा था हाँ कि जी मैम, होने? होने, देखो जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें टाइम भी लगता है हाँ जी ठीक मैम, होने में। तो आपने मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा खाई थी, बहुत ज़्यादा खाई है मैम। मैंने इंजेक्शन भी लगवाए थे बहुत सारे, कमर में लगवाए थे, तो हाँ जी, उससे भी कोई रिलीफ उससे नहीं? भी कोई रिलीफ नहीं हुआ मैम, टाइमिंग भी रिलीफ नहीं होता था, जितनी देर खाते थे उतनी देर भी असर नहीं आता था? कुछ भी नहीं मैम। सिर्फ दर्द की दवाई से थोड़ा सा ये होता था कि पेन नहीं है अब, तब तो जैसे ही उसका असर हुआ कम, तो फिर दोबारा से वही पेन शुरू हो जाता आप इतने दिनों में आपने कोई पेन किलर नहीं खाया था। नहीं है, मैम, कोई आप मेडिसिन नहीं ले रहे नहीं हैं, मैम, फिर भी आपका पेन अब कम हाँ जी, है? बहुत कम है अब तो, मतलब ना के बराबरी पेन है मुझे अब। ओके, सो यू कैन से ऑलमोस्ट कितना रिकवर कर चुके हैं आप 100 में से? 80% रिकवर कर चुका हूँ मैम। तो अब तो कोई ऐसी घबराहट वाली या डर वाली बात नहीं लगती है नहीं कि? नहीं आपको कुछ नहीं मैम, ठीक है। नॉर्मल है सब। आपके जैसे पता नहीं कितने लोग होते हैं सफर कर रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम बिल्कुल क्या मैम, है और क्या इसका इलाज चलेगा, कैसे चलेगा इनफैक्ट, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं हो पाते ना। जैसे आपको भी नहीं बताया था कि हाँ जी, इवन MRI करवाना MRI चाहिए आपको करवाने। पहले। खैर, दवाइयों से हो नहीं पाता इन चीज़ों का इलाज, क्योंकि जो डिस्क बाहर निकली है पहले उसको सेट करना ज़रूरी होता है। जब तक वो सेट नहीं होती है तब तक पेन एज इट इज़ रहता है। आप पेन किलर खा भी लेंगे कुछ देर रिलीफ लगेगा, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और डायरेक्टली लोग ये भी करते हैं, यूट्यूब से देख के एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें एक पेशेंट और आया था हमारे पास, उसने अपनी दिक्कत बढ़ा ली हुई थी बल्कि एक्सरसाइज कर करके, कि यूट्यूब से देख देख के कि एक्सरसाइज कर लेते हैं ठीक हो जाएगा।
जब आप पेन में होते हैं, आप किसी चीज़ को पहले वो डिस्क बाहर निकली हुई है आप उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच कर देंगे, वो उल्टा और इरिटेट होगी। तो पहले डिस्क को सेट करना ज़रूरी है, उसके बाद एक्सरसाइजेज आर फॉर मेंटेनेंस, वो ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता एकदम से। बिल्कुल। तो अभी आपको भी थोड़े से प्रिकॉशंस रखने हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि सिवियर डिस्क बल्ज था, तो कुछ टाइम रखने हैं। जो आपको एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी वो करनी है अभी रूटीन में, ताकि आपको दोबारा से दिक्कत ना हो। बिल्कुल ठीक है सागर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।